स्टूडेंट हो, क्रेडिट कार्ड चाहिए, हे व्यूअर्स, तो की हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके मदद से स्टूडेंट्स को भी क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आपको पता ही होगा, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें पहले से बैलेंस रहता है, आपको कोई भी बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब आप उस बैलेंस को यूज़ करेंगे तो आप कुछ महीनों बाद पैसा चुका सकते हैं। तो चलो ना, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है स्लाइस पे। वेट वेट वेट। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की मदद से आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन अभी सभी शहरों में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ शहरों में, सिटीज़ में अवेलेबल हो चुका है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में अभी ये अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द बहुत सारे अन्य शहरों में भी ये अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में चेन्नई में भी अवेलेबल है। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आप ये एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब लोग ये एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है इंस्टॉल करके। तो अभी मैं इसे अपडेट लगा लेता हूँ, अपडेट होने देते हैं। तो अभी मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है एक क्रेडिट कार्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो मैं अभी फिलहाल बैंगलोर के एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ये एप्लीकेशन टोटली बेस्ड है कॉलेज स्टूडेंट्स लोग के लिए, जिन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऑफकोर्स पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही अगर आप एक स्टूडेंट है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें अकाउंट बनाइएगा तो आपको 4000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। जैसे ही आप इसे इंक्रीज़ अगर करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 60,000 तक का। तो मेरा 20,000 तक का ओपन किया हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ गो टू माय प्रोफाइल में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे अप्लाई। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिल्वर एक्सेस है मेरे पास और गोल्डन एक्सेस भी मेरे पास है। तो सिल्वर एक्सेस में आपको 4000 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता है और गोल्डन एक्सेस में आपको 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता है। तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं बूस्ट भी कर सकते हैं, और प्लेटिनम क्लब अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको 60,000 रुपीज़ तक का क्रेडिट मिल सकता है। मैं आपको उसका क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का, कुछ इस तरह का आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। तो 20,000 रुपये की लिमिट है मेरे इस क्रेडिट कार्ड की। जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था, अपना लिमिट मेरा ओपन हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। तो जैसे आप यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड को, तो आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं जिसकी मदद से आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ होगा। तो मेरा 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 20,100 रुपीज़ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरा बैलेंस बचा हुआ है 16,850 रुपीज़। तो बाकी का पैसा मैं अभी यूज़ किया हूँ, तो अभी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रीपेमेंट में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी का पैसा मैंने यूज़ किया था, क्रेडिट में लिया था। तो आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का और 12 महीने तक का भी ले सकते हैं इसमें क्रेडिट बहुत ही आसानी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुझे 500 कुछ रुपये दिसंबर में पे करना है और 2000 समथिंग रुपये मुझे फरवरी में पे करना है। तो अगर आप 1 महीने क्रेडिट लेंगे तो आपको 0% इंटरेस्ट लगता है, तो अगर आप 1 महीने से ज़्यादा का क्रेडिट लेंगे तो आपको 2.4% क्रेडिट इसमें लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मैंने आपको दिखा दिया और बाकी का मैं बताता हूँ प्रोसीड्योर क्या क्या है इसे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले अगर आप इसे ओपन करके लॉगिन कीजिएगा तो आपको एंट्रेंस में मांगेगा आपका डिटेल्स। तो एंट्रेंस में आपको डिटेल मांगेगा सिल्वर एक्सेस के लिए। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी भरना है और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। सेकेंड में आपको क्या करना है, आपको अपना कॉलेज का डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले आप अपना सिटी डाल दीजिए, कौन से सिटी में आप रहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कॉलेज का नाम लिखना है, फिर आपको कॉलेज का आईडी का, कॉलेज आईडी होता है ना, उसका फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी प्रोसेस है, आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कब तक ग्रेजुएट होंगे, कब तक आपको रहना है कॉलेज में, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है जिसकी मदद से ये साबित हो सके कि आप एक जेन्युइन यूज़र है, आप सही में आप ही क्रेडिट ले रहे हैं और आप चुकाएंगे भी। तो अगर आप कहीं क्रेडिट लेके भागते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको ये इन्हीं सब चीज़ों से पकड़ेगा। तो फोर्थ में जाएं, तो फोर्थ पॉइंट में आपको क्या यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है अपना क्लासमेट का नंबर। जैसे अगर आपके कॉलेज में कोई क्लासमेट है तो वेरीफिकेशन के लिए हो सकता है उन्हें फ़ोन आता है, तो वेरीफिकेशन के लिए आप कोई अपने फ्रेंड्स का नंबर दे सकते हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हैं।
तो मैंने भी देख रखा है। और फिर आप लिख दीजिए कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे पीजी में मैं रहता हूँ, और अपना एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद आपको 4000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा। अगर आपका आईडी और आपका आधार कार्ड सब कुछ ठीक से रहेगा तो आपको तुरंत विद इन अ आवर आपको 4000 रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है 20,000 रुपीज़ करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक शेड्यूल आपको सेट करना पड़ेगा कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कॉलेज में आपके कॉलेज में कोई मेंबर होंगे स्लाइस पे के, तो उनसे आपको मिल के एक एग्रीमेंट में साइन करना होगा कि आप ही पैसा ले रहे हैं, आप ही पैसा ले रहे हैं और आप ही बियर करेंगे कुछ भी अगर हुआ, आप चुका नहीं पाए तो। तो इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा कॉलेज के रिस्पेक्टिव स्लाइस पे यूज़र से और बात करना पड़ेगा। और सेकंड में आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप वो 20,000 रुपये के क्या करेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, क्या क्या यूज़ में आप करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल है, आप जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वो क्रेडिट कार्ड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्लाइस पे कनेक्टेड है फेडरल बैंक से, जो एक ऑफिशियल बैंक है आपको पता ही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिलके चिल करते हैं ऐसे अपने कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।